हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के रिजल्ट के बारे में, इसके साथ साथ इसके नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में, मतलब किस किस बच्चे को कितना फायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, और कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, और कौन सी शिफ्ट यहाँ पर मीडियम थी, सारा कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपकी जीडी की वैकेंसी थी 26,000 प्लस, अब यहाँ पर इस वैकेंसी को बढ़ाकर 46,617 कर दी है। तो यहाँ पर पद बढ़ने पर आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कितना जाएगा कट ऑफ ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ शिफ्ट ऐसी है जिसके अंदर 12 से 15 नंबर भी आपको मिलने वाले हैं, और कुछ शिफ्ट ऐसी है जिसमें 20-20 नंबर का भी आपको फायदा मिल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक बीएसएफ प्लेसमेंट भर्ती की जहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं, तो बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन। इस बुक के अंदर आप चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको बीएसएफ से संबंधित सामान्य जानकारी मिल जाएगी, और यहाँ पर इसके अंदर 2 सॉल्ट पेपर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और यहाँ पर 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्यूशन के साथ। और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है, अगर इस बुक से आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एक बार बुक आपको अंदर से दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया बुक है। सबसे पहले इसके अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा, इसके बाद में अगर आप इसके अंदर और भी देखोगे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे 2023 के विद सॉल्यूशन के साथ। एक बार मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है अल्टरनेट मेथड के साथ, मतलब मान लीजिए आपको एक तरीका नहीं आता तो आप दूसरा तरीका समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, और यहाँ पर लास्ट में आपको बीएसएफ की सामान्य शब्दावली, बीएसएफ का इतिहास, मुख्यालय वगैरह सारी जानकारी जो बीएसएफ से संबंधित है वो भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऑल ओवर ये बुक बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसकी कॉम्बो बुक भी मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दे रखा हूँ, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और सीधा आपको इस बुक को परचेज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी एसएससी जीडी भर्ती 2024 है, इसके अंदर कितने फॉर्म अप्लाई हुए, और मतलब जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके अंदर कितने उम्मीदवारों की संख्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 2018-21-22 इन वैकेंसी से अगर कंपेयर करें, तो सबसे पहले 2018 की वैकेंसी के अंदर 52 लाख फॉर्म भरे थे, और यहाँ पर उपस्थिति रही थी 30 लाख के करीबन, और पोस्ट थी इसमें 60,210, और कंपटीशन था यहाँ पर 50, यानी एक सीट के ऊपर 50 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन था। इसके बाद उपस्थिति देखे तो 58% थी। इसी वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 की वैकेंसी में, पेपर के अंदर मेरा 100 में से 91 नंबर था, और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर, ठीक है। आगे बात करें 2021 की वैकेंसी का, तो इसके अंदर 71 लाख टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे, अटेंडेंस रही थी 39 लाख की, और पोस्ट थी इसके अंदर 25,271। इस वजह से पोस्ट कम होने की वजह से फॉर्म भी यहाँ पर ज्यादा थे और पोस्ट यहाँ पर कम थी, इस वजह से आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लगभग 158 कैंडिडेट का एक सीट के ऊपर कंपटीशन था। और आगे बात करें उपस्थिति की, तो 56% की इसके अंदर आपकी उपस्थिति थी, और 2022 की वैकेंसी की बात करें तो 54 लाख के करीबन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए थे, और यहाँ पर उपस्थिति रही थी लगभग 35 लाख के करीबन, ठीक है। और पोस्ट कितनी थी 50,187, इसके अंदर आपका एक सीट के अंदर कंपटीशन था 71 कैंडिडेट का। और आगे बात की उपस्थिति की, तो 65% की यहाँ पर उपस्थिति आपको देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बात करें 2023-24 की वैकेंसी जो अभी चल रही है, इसके अंदर टोटल यहाँ पर 47 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। और यहाँ पर उपस्थिति की बात करें, अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो 30 लाख के करीबन यहाँ पर कैंडिडेट इसके अंदर एग्जाम में उपस्थित हुए थे। इसके बाद में पोस्ट की संख्या पहले कितनी थी 26,146, अगर 26,146 पद थे तो उस समय कंपटीशन कितना था 122 कैंडिडेट का, मतलब एक सीट के अंदर आपका 122 कैंडिडेट का कंपटीशन था, मतलब 121 कैंडिडेट को आपको पीछे छोड़ना था और फिर आपको एक सीट मिल रही थी, ठीक है। तो और इसके अंदर उपस्थिति देखे लगभग 65% थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपकी पहली वैकेंसी थी 26,146 और इस वैकेंसी को बढ़ा देकर 46,617 कर दिया गया था, ठीक है। तो आप भी सोचिए कि मतलब पहले आधी वैकेंसी थी, अब उसका लगभग डबल वैकेंसी हो गई है, तो कंपटीशन तो कम होगा ही होगा, यानी कट ऑफ कम जाएगी। तो यहाँ पर अगर पहले 122 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन था एक सीट के ऊपर, अब कितना हो रहा है लगभग 68 कैंडिडेट का, तो आपका कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा। यानी जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि मैं किनारे के ऊपर हूँ, मेरा 5 से 6 नंबर कम पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, यहाँ पर आप कंपटीशन देख सकते हैं एक सीट के ऊपर लगभग आप करीबन 70 कैंडिडेट मान लीजिए, इससे ज्यादा कंपटीशन नहीं है। फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये मौका है
बार बार नहीं आता, ये मौका नसीब वालों को मिलता है। आप सभी को पता होगा यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है, फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, रिजल्ट आपका जल्द जारी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आगे बढ़े तो नॉर्मलाइजेशन, अब यहाँ पर काफी कैंडिडेट बोलते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके शिफ्ट में टॉपर्स के कितने नंबर बने हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके शिफ्ट में टॉपर्स के कितने नंबर बने हैं और एवरेज के कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इनको एकदम बराबर किया जाता है। मान लीजिए एवरेज के नंबर आ रहे हैं यहाँ पर 40, एक बार आप अंदाजा लगाइए, और टॉपर के आ रहे हैं यहाँ पर 80, तो इन दोनों को बराबर किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है। और जैसे इन दोनों का एवरेज निकाल के आप दो का भाग देखे, अपने आप आपको अंदाजा लग जाएगा। अब इसके बाद में अगर बात करें सारी शिफ्ट में टॉपर्स के कितने नंबर आ रहे हैं और एवरेज स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे, मतलब एवरेज नंबर को यहाँ पर बेस बना लिया जाता है, मतलब कम नंबर को यहाँ पर बेस बनाकर यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ाया जाता है। इसके बाद इजी शिफ्ट में इजी शिफ्ट को बेस माना जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, मतलब जैसे किसी शिफ्ट में बच्चों के बहुत कम नंबर आ रहे हैं उस शिफ्ट को यहाँ पर बेस मान लिया जाता है और उस हिसाब से बच्चों के नंबर बढ़ाए जाते हैं। इसके बाद में एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मैंने इतने क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, तो मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स एक्यूरेसी का आपकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, यानी अगर आपने हार्ड क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं और आपके शिफ्ट में बहुत कम नंबर बन रहे तो आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का पूरा पूरा चांसेस है। इसके बाद में आप कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए उसका भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे आपके रीजनिंग में कम है, मैथ में ज्यादा है, हिंदी में कम है या फिर जीके के अंदर कम है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटेगरी का भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद में अगर आपके शिफ्ट में हार्ड है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब हार्ड शिफ्ट वालों का फायदा ही फायदा है। अगर हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो भी आपका फायदा है। इसके बाद में अगर आपने हार्ड सवालों को ज्यादा अटेंड किया तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के, मतलब आपका कमेंट करना है कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, आपका कौन सी डेट में एग्जाम था, ठीक है, ये सारा बता रहे हैं और आपके कितने नंबर बने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 मार्च 2024, 5 मार्च 2024, 21, 28, 1 मार्च, 29 मार्च, 28 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी और 30 मार्च, यहाँ के सभी शिफ्ट आप देख सकते हैं इन बच्चों का एवरेज स्कोर है। जैसे 7 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों का एवरेज कितना नंबर बन रहा है, 105.104 नंबर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर इनका बढ़ने का पूरा पूरा चांस है। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है। तो यह एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी है, इसके अंदर बच्चों के 14 से 15 नंबर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 6 मार्च है तो इसके अंदर बच्चों के 12 से 13 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एवरेज मार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 15 से 17 नंबर कहाँ तक, 24 फरवरी 29 28 21 22, 15 से 17 नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, एवरेज मार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग 100 के करीब बच्चों के नंबर बन रहे हैं। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 से 15 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, इन इन शिफ्टों के इन इन बच्चों के नंबर ये बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, 20 से 22 नंबर भी यहाँ पर बच्चों के बढ़ रहे हैं। कौन सी शिफ्ट है, 27 फरवरी 2024, मतलब 27 फरवरी 2024 की शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड थी, तब बच्चों के लगभग 20 से 22 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे आपने अभी तक अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक नहीं किया है तो ये है हमारी एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपना नॉर्मलाइज स्कोर आप चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर की फिजिकल की कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ का पीडीएफ मैंने आपका टेलीग्राम चैनल है जो हमारा चिराग क्लासेज का उसके अंदर डाल रखा है। तो 2022 की एसएससी जीडी की जो फिजिकल कट ऑफ है, फिजिकल कट ऑफ है, उस कट ऑफ में लगभग आपको कितना नंबर प्लस कर देना है, लगभग आपको 6 से 7 नंबर आपको प्लस कर देना है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 6 से 7 नंबर 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसकी फिजिकल कट ऑफ पे आपको नंबर बढ़ा देना है, इससे ज्यादा आपका फिजिकल कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपको वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी ने अभी वैकेंसी बढ़ाई है, तो अब यहाँ पर क्या है, रिजल्ट का भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। आप वेट कर लीजिए जून के लास्ट वीक तक आप जरूर वेट कीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और
जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरा बढ़िया नंबर है अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको बताना है आप कौन से स्टेट से है, आपका कितना नंबर बन रहा है, आपकी क्या कैटेगरी है, आपका कौन सा एरिया है, सारा कुछ बताना है ताकि हम वहां पर भी आपका कमेंट में आंसर दे सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।